हमीरपुर के श्री चैतन्य गोड़िये मठ दंगड़ी में जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और जन्माष्टमी के अवसर पर 23 अगस्त को दंगड़ी मठ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दंगड़ी मठ के गिरी महाराज ने बताया कि जन्माष्टमी के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं और इस दिन भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। हरे कृष्णा, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु गोड़िये मठ दंगड़ी की तरफ से बोल रहा हूँ कि 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक भगवान राधा गोपीनाथ जी का झूलन उत्सव हो रहा है। इसमें राधा गोपीनाथ जी का झूलन शाम को 4 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक होगा। इस झूलन महोत्सव में आप लोग आकर दर्शन कर सकते हैं और भगवान को झुला भी सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में प्रमाण आता है जब भगवान ने रासलीला की थी उस टाइम भगवान ने रासलीला, झूलन लीला और उसके बाद होली लीला ये सब किया तो वैष्णवों ने इस सारी लीलाओं को समय अनुसार, तिथि अनुसार या आपका ऋतु अनुसार भगवान की लीलाओं को स्मरण करते हैं। तो ये 5 दिनों में भगवान राधा कृष्ण का झूला पड़ता है, उसको हम लोग 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक होगा। उसके पश्चात 23 तारीख को जो पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाएगी वो दंगड़ी में स्थित श्री चैतन्य महाप्रभु गोड़िये मठ में मनाई जा रही है। ये हर साल की भांति बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। इसका प्रोग्राम शाम को 7:30 बजे भगवान संध्या आरती होगी राधा गोपीनाथ जी की, उसके पश्चात मंदिर परिक्रमा, तुलसी परिक्रमा होगी, तत्पश्चात भगवान के गुणगान भजन कीर्तन होगा, उसके बाद रात्रि को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक भगवान की बाल लीलाओं को स्मरण करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनेंगे, भागवत की 10वें स्कंद का पाठ होगा। उसके बाद रात को ठीक 12 बजे ठाकुर जी का जो अभिषेक का समय है उस टाइम महाभिषेक होगा। ठाकुर जी को पंचामृत से दूध दही घी सहज शक्कर पांच और रसों से, उसके बाद रात्रि में ठाकुर जी को भव्य आरती भोग के बाद सब जितने भी संगत आएगी उनके लिए फलार का भंडारा है, उसमें हर प्रकार का फल जो भी फलार में आता है वो फलार का भंडारा किया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग सब आमंत्रित रहें, सब लोग आएँ, बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी मनाएं, क्योंकि भगवान की साल में एक बार जन्माष्टमी मनानी भी चाहिए और मनाने से भगवान खुश होते हैं कि भगवान की जन्मतिथि है। जैसे हम लोग अपने पुत्रों की जन्मतिथि मनाते हैं तो भगवान की जन्मतिथि हमारे हिंदू संस्कृति मात्र बनाता है। सब लोग बनाएं, मंदिर में आएँ और उसके बाद राधाष्टमी भी होती है। राधाष्टमी का प्रोग्राम जो है आपके हिमाचल में कहीं नहीं होता है। हिमाचल दंगड़ी में जो स्थित श्री चैतन्य महाप्रभु गोड़िये कई साल से मनाया जा रहा है तो वो 6 सितंबर को है। उसके लिए भी आप लोग को चुल्ला नोता है सारी आई जाना थी और वो उसका प्रोग्राम सुबह 10 बजे से लेकर 6 सितंबर 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक होगा। उसमें भी राधा रानी का कथा का गुणगान, फिर ठीक 12 बजे राधा रानी का अभिषेक, जैसे कृष्ण का अभिषेक होता है वैसे ही सेम राधा रानी का अभिषेक होगा। उसके बाद उस दिन भंडारा होता है, उस दिन खूब भगवान राधा रानी को 56 भोग 36 व्यंजन भोग लगेंगे, उस दिन खूब प्रसाद भंडारा वितरण किया जाएगा। तो सबको इन तीनों प्रोग्राम में सादर आमंत्रण है, आप लोग आएँ, सौभाग्य बढ़ाएं, भगवान की सेवा को अपनी सेवा मानकर आएँ। दर्शन करने से मात्र से हमारा मंगल होगा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भक्तों चले छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।